हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्शी। आज मैं आपको वेज कबाब बनाना सिखाऊंगी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वेज खाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि वो कैसे कबाब खा पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी सोयाबीन और चने की दाल मिला के आप कैसे कबाब बना सकते हो जिनका टेस्ट बिल्कुल नॉनवेज की तरह होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी चने की दाल, और ये मैंने लिया है 2 कटोरी सोयाबीन। आप सोयाबीन का छोटे वाले भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बड़े वाले लिए हैं। आप छोटे भी ले सकते हैं और आप बड़े भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इन्हें कुकर में डाल दूँगी। अब मैं कुकर में सोयाबीन और दाल डाल दूंगी। अब इसमें कुछ मसाले भी जाएंगे, चलिए देख लेते हैं वो मसाले क्या हैं। जो मसाले हमें चाहिए होंगे वो ये हैं: दालचीनी की लकड़ी, जौत्री, काली मिर्च, छोटी इलायची, खसखस, काली मिर्च, सूखे मिर्चे। मैंने यहाँ पे सूखे मिर्चे लाल वाले लिए हैं, अगर आप चाहें तो पिसी मिर्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखे मिर्चे डालने से ना टेस्ट और बढ़ जाता है। और ये नारियल का थोड़ा सा बुरादा लिया है, तो आप नारियल के टुकड़े पीस भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास नारियल का बुरादा था इसलिए मैंने नारियल का बुरादा ले लिया। और तेज पत्ता लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है, तो और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें करना क्या है, हमें कुकर में सोयाबीन डालनी है, दाल डालनी है और ये सारे मसाले डाल देना है। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, नमक मैंने अभी इसमें डाला नहीं, नमक डाल दूंगी। और इन सबको कुकर में डालने के बाद आपको इतना इसमें पानी डालना है कि चने की दाल गल जाए। तो अब मैं इनको सबको मिला के और गैस पर रख देती हूँ। ये तो मैंने गैस ऑन कर दी और कुकर को चढ़ा दिया। अब जब तक ये 3 सीटी में हो जाएगा, तब तक ये होगा, तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए हरी धनिया, 1 टमाटर, हरी मिर्चे, लहसुन की 4 कलियां और ज़ीरा, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और मिर्चा जितना आपको तीखा पसंद हो उतना लिए। अब मैं इसे जार में डाल के पीस लेती हूँ। तो मेरी चटनी बनके हो गई है तैयार, और मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि ये दाल और सोयाबीन हो चुके हैं। अब ये ठंडा होगा, उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। ये मैंने पीस लिया है, और आपको ध्यान रखना है, आपको जितने इसमें मसाले डाले थे सब साथ में पीस लेना है, खाली तेज पत्ते को आपको फेंक देना है और इसको पीस लेना है। अब इसमें कबाब बनाने के लिए अब हमें इसमें क्या डालना है, अब हमें इसमें मिलाना होगा बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्चे और आधा नींबू कटा हुआ। तो आप मिर्चे अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि काली मिर्च भी डालना है, सूखी मिर्चे भी मैंने डाली हैं और हरी मिर्चे भी, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जितने कबाब बनाने हैं आप उतना निकाल लीजिए, उसमें प्याज, हरी धनिया, मिर्चे डाल के बना लीजिए, और जो बचता है वो आप फ्रीज़र में लगा दीजिए। 2 से 3 दिन तक आप फ्रीज में स्टोर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके वहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप इसको पहले से तैयार करके रख लीजिए, और जब आपको सर्व करना हो आप फ़ौरन इसको तलिए और दे दीजिए। चलिए देखते हैं, मुझे जितना लेना है मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्चे और नींबू निचोड़ दूंगी। ये मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं जा रही हूँ इसके गोले बना बना के टिकिया बना लेती हूँ। अब ये गोले बना के मैं ऐसे टिकिया बना लूँगी, ये देखिए ऐसे ही सारी टिकियों को तैयार कर लूँगी। देखिए बन के ये इस तरह तैयार हो गई। चलिए तलते हैं अब इनको। मैंने गैस ऑन कर दी है और अपना फ्राई पैन तवा रख दिया है। आप ये मैं समझिए ये नॉन स्टिक है, तो आपको नॉन स्टिक में बनाना है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप नॉर्मली तवे में, नॉर्मली फ्राई पैन में किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, और हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इसमें थोड़ा सा तेल डालना है। ऐसे ही आपको नॉर्मल पैन में भी आपको थोड़ा सा तेल डालना है। अब इसको गर्म थोड़ी देर होने देंगे। तेल मेरा हो चुका है, अब मैं इसमें 1-1 टिक्के कबाब की डाल दूँगी। आपको ऐसे ही करना है।
और एक साइड से इनको पकने देंगे। जब इनका एक साइड से पक जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा, तब फिर हम इनको पलटेंगे। अब इनको हमें ऐसे कर देना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते रहना है। देखिए अब ये एक साइड से हो गए हैं, अब मैं इसे पलट दूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ही दूसरे साइड से भी हमें इसे पका लेना है। पलटेंगे और उसके बाद थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। इसे पलट के इसमें तेल डाल देना है। देखिए मैंने पलट दिया और थोड़ा सा तेल और डाल दिया। इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, अच्छे से ये फ्राई भी हो जाता है। अब इसको दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से पकने देंगे। तो ये दोनों साइड से पक चुके हैं। अब मैं इसकी जा रही हूँ प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मेरे कबाब बनके तैयार हो गए और ये खाने में भी बहुत, जैसे देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप यकीन मानिए, आपके पास कोई भी मेहमान आए आप उसको ज़रूर ये बना के खिलाएं और वो पता ही नहीं कर पाएगा कि ये वेज कबाब है कि नॉन वेज कबाब है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, एक बार ज़रूर इसे आप बनाइएगा। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय।